आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ जोड़िए। सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना। कितना भी पढ़ जाए हम, कभी नहीं बिसराए हम, जो फिर शीश नवाते हैं हम, पढ़ने लिखने जाते हैं हम। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना। कितना भी पढ़ जाए हम, कभी नहीं बिसराए हम, जो फिर शीश नवाते हैं हम, पढ़ने लिखने जाते हैं हम। गायत्री मंत्र। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब आप मुझे बताइए आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है और आज की तारीख है 29 जुलाई 2021, और इस महीने का रंग है इंद्रधनुष। अब हम इस हफ्ते के विषय के बारे में बात करेंगे। इस हफ्ते का विषय है पानी की स्रोत और उनका उपयोग। इस हफ्ते का विचार है पानी ही जीवन है। इस महीने का वादा है मैं हमेशा पानी का बचाव करूंगा या करूंगी। बच्चों, इस हफ्ते हमने पानी के तरह तरह के उपयोग के बारे में सीखा है, और हमने ये भी सीखा है कि हमें पानी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आज गुरुवार है और आज हम स्टोरी भी करते हैं, कहानी करते हैं, और आज की जो कहानी है उसमें मैम आपको बताएंगे कि हमें कैसे पानी बचाना चाहिए और किस तरह से उपयोग करना चाहिए उसका। हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज Viraj. His name was Viraj. Every day he helped her mother to watering the plant and gave water to birds. ठीक है, वो daily help करता था अपनी मामा की plants को पानी देने के लिए, और birds के लिए भी वो पानी रखता था, उनको भी पानी वो जो देता था, help करता था, सबकी help करता था। एक दिन क्या होता है, वो जब अपनी गार्डन में मम्मा और विराज दोनों पानी दे रहे होते हैं, तो उनको याद आता है कि ओ, मेरा ब्रेकफास्ट तो लेट हो गया। वो विराज को बोलती है कि तुम क्या करना, सभी प्लांट्स का ध्यान रखना, यू लुक आफ्टर द प्लांट जब तक मैं नहीं आऊंगी, ठीक है, तब तक तुम क्या करना, प्लांट्स का ध्यान रखना। बट विराज की जो मदर थी वो उसको कभी अलाउ नहीं करती थी अकेले जो है प्लांट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि वो क्या करता था, ही वेस्टेड लॉट्स ऑफ वाटर, वो बहुत सारा पानी जो वेस्ट कर देता था। लेकिन जब उसकी मम्मा अंदर चली गई, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया एंड स्टार्टेड वेस्टिंग लॉट्स ऑफ वाटर, और उसने क्या किया, पानी वेस्ट करना शुरू कर दिया। And he started to play with the water. उसने क्या किया, अपने घर के जो गार्डन का टैप था वो भी क्या कर दिया, ओपन ही छोड़ दिया, और पानी क्या हो गया, पूरा बहता रहा, पूरा पानी जो है वो बहने लग पड़ा, और पानी जो था वो बहना शुरू हो गया। यहाँ पे भी पानी वेस्ट हो रहा है, कितना पानी नीचे जा रहा है, टैप से भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इज इट अ गुड हैबिट? नो, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। बट विराज जो था वो पूरा पानी वेस्ट कर रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था।
थोड़ी देर में विराज की मदर जब घर से बाहर आते हैं, वो क्या देखते हैं कि विराज ने बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया और हर जगह पानी पानी जो है वो फैला दिया है, टैब भी ओपन कर दिए, ठीक है। एंड वॉटर टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड शी बिकम एंग्री। सब कुछ हर जगह से पानी खाली हो गया और उसको बहुत गुस्सा आया। और उसकी मदर गुस्से में कहाँ चली गई, घर के अंदर चली गई और जो विराज के फादर थे उनको कॉल करने लगी और बोलने लगी, प्लीज अरेंज सम वाटर, कि कुछ पानी का पानी अरेंज करो, बिकॉज शी वुड नीड वाटर फॉर अदर हाउस वर्क ऑल्सो, क्योंकि उसको जो था पानी और कामों के लिए भी चाहिए था, बट विराज ने तो सारा पानी वेस्ट कर दिया था। और उसके बाद वहां पे क्या आते हैं, फ्लाई करके बर्ड्स आते हैं, जो बर्ड्स पानी पीने लगते हैं तो वहां पे भी पानी खाली हो गया होता है। फिर एक और बर्ड आता है, वो भी पानी पीने लगता है, उनको भी पानी नहीं मिलता, वो सभी बहुत सैड हो जाते। विराज ये सब देख के बहुत दुखी होता है, वो जल्दी से क्या करता है, अपने घर के अंदर से अपने फ्रिज से अपनी वाटर बॉटल लाता है और अपनी वाटर बॉटल से ही पोर सम वाटर इन द कंटेनर। वो अपनी वाटर बॉटल से कुछ पानी उस कंटेनर में डालता है और फिर बर्ड्स जो है आते हैं उस पानी को पीते हैं एंड दे ऑल बिकेम हैप्पी। वो हैप्पी होके उड़ जाते हैं, ठीक है। And Viraj became very happy to see the birds. जो विराज था वो birds को देख के बहुत खुश हो जाता है। और मम्मा जो है घर के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं। She also felt very happy. वो भी बहुत खुश हो जाती है कि विराज ने birds को अपनी water bottle से पानी दिया। Then Viraj said, "Sorry, ma." विराज अपनी मम्मा को सॉरी बोलता है बिकॉज ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। उसको अपनी गलती पता चल जाती है कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। उसकी मम्मा बोलती है, ओके इट्स ओके बट यू विल नेवर डू इट अगेन। आप इसको दोबारा कभी नहीं करोगे, ओके। एंड हिज मदर सेड, वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, वी मस्ट यूज इट प्रॉपरली, otherwise we will also become thirsty like the birds. Viraj ne kaha, okay mama, I have understand. Mujhe ye pata chal gaya ki agar pani nahi hoga to hum bhi birds ki tarah pyaase hi reh jayenge. So children, what you have learned from this story, we should not waste water, otherwise we won't have water to do anything. Hame pani किसी भी काम के लिए नहीं मिलेगा एंड वी कांट लिव विदाउट वाटर। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे।